हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके पहचान दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि मैं किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब से, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस को इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन साथ ही साथ जो है बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोज़ को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो आप मेरे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं वो नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये आया है महर्षि शरद पवार कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस से, जो कि नागपुर सिटी में सिचुएटेड है। तो यहाँ से जो है इन्होंने एप्लीकेशन इन्वाइटेड किए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट मैंशन कर रहे थे, फिजिक्स, जूलॉजी, मैथ्स, बॉटनी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री। और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट मैंशन कर रखा है, नेचर ऑफ पोस्ट फुल टाइम है। वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, और पूरा यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिलेगा। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपका एज पर UGC और स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगा। एलिजिबिलिटी में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और आपका नेट सेट भी आपका जो है क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपने PhD प्रोग्राम में रजिस्टर 2009 से पहले किया है, तो आपका PhD डिग्री जो है वो रेगुलर मोड में होना चाहिए। आपका PhD थेसिस को एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशन इवेलुएट किया होना चाहिए। आपका ओपन PhD बाय वॉइस हुआ होना चाहिए, और आपको एटलीस्ट 2 पब्लिश रिसर्च पेपर होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने अपनी PhD की फॉरेन यूनिवर्सिटी से ऑप्टेन की, तो आपका जो यूनिवर्सिटी वो टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आनी चाहिए, और जो रैंकिंग वैलिड रहेगी वो आपका QS रैंकिंग रहेगी, DA रहेगी और ARW रैंकिंग रहेगी। इसके लिए यहाँ पे जो है आपका रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5% का, अगर आप मास्टर लेवल पे फॉर SC एंड ST और डिफरेंशियल एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड, आप इसके लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको प्लेन पेपर या प्रिस्क्राइब परफॉर्मर में जो है आपको अपना एप्लीकेशन देना है, और साथ ही साथ जो है आपको पोस्टल ऑर्डर पे करना है 100 रुपीज़ का इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल दीन डायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपने जो भी अटेस्टेड कॉपी लगाने आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट की, जैसे आपका जो मार्कशीट, आपका डिग्री सर्टिफिकेट, आपका नेट सर्टिफिकेट, तो इन सब का जो है आपको एक सेट, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि प्लेन पेपर में या प्रिस्क्राइब परफॉर्मर में, वो आपको सेंड कर देना है, ठीक है। तो इन्होंने एड्रेस मैंशन कर रखा है, प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर महर्षि शरद पवार कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, और यहाँ पे इन्होंने एड्रेस मेंशन कर रखा, मनीष नगर, सोमलवादा, वादा रोड, टाल, नागपुर सिटी, डिस्ट्रिक्ट नागपुर 440025, ठीक है। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो आपको सेंड करना है बिफोर 13 जून 2022। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।